एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड। और हम जा रहे हैं दोस्त लोग मिलके लोनावला में। लोनावला में वी हैव रेंटेड आउट अ विला और वहाँ पे हमारा प्लान है इज टू जस्ट चिल, रिलैक्स एंड थोड़ा बहुत लोनावला एक्सप्लोर भी करेंगे। विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन द वीडियो एंड एक्सप्लोर दिस ब्यूटीफुल विला मोंटाना मिस्ट। पुणे से करीब 56 किलोमीटर दूर लोनावला में लोकेटेड है मोंटाना मिस्ट। लोनावला बस स्टैंड से करीब 2 किलोमीटर अंदर जाके न्यू तुंगाली रोड की तरफ मिलेगा आपको ये विला। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू यू बुक दिस विला। ये विला आपको लिस्टेड मिलेगा मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो और एयरबीएनबी में। इस वीडियो में मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी आवर पैकेज डिटेल्स एंड अ स्टील डील जिसमें हमने ये विला बुक किया था। सो स्टे ट्यून्ड। देर आर टू एंट्रेंसेस टू दिस विला एंड दोनों साइड में ही एम्पल पार्किंग स्पेस है। एंटर करते ही किचन और डाइनिंग स्पेस के पास आपको दिखेगा द फर्स्ट बेडरूम एंड द एडजेसेंट वॉशरूम। तो चलिए शुरू करते हैं वॉशरूम से ही। दिस इज अ स्मॉल साइज नीट एंड क्लीन वॉशरूम इक्विप्ड विद मॉडर्न फिटिंग्स, टॉयलेटरीज, टॉयलेट पेपर वगैरह भी रखा हुआ था। नाउ लेट्स एक्सप्लोर द एडजेसेंट फर्स्ट बेडरूम। ये एक स्मॉल साइज बेडरूम है। एंटर करते लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है एक टू डोर कबर्ड, उसके साइड में दिया हुआ है लगेज स्पेस। फिर यहाँ पे है क्वीन साइज बेड विद टू बेड साइड टेबल्स। रूम के दोनों साइड में विंडो है तो द रूम इज एयरी एंड ब्राइट। किचन एंड डाइनिंग एरिया इज काफी स्पेशियस और यहाँ पे जितने जरूरत के यूटेंसिल्स, बेसिक मसाले वगैरह सब प्रेजेंट है। यहाँ पे आपको दिख रहा है रेफ्रिजरेटर भी है, देयर इज गैस फैसिलिटी फॉर कुकिंग, देयर इज अ माइक्रोवेव, तो इन केस इफ यू वांट टू कुक तो आप आराम से यहाँ कुकिंग कर सकते हो। अदरवाइज इनके पास मेन्यू भी अवेलेबल है जहाँ पे आप खाना ऑर्डर भी कर सकते हो। Now let's explore the huge size drawing room. हमने अपने 2 दिन के स्टेकेशन का मैक्सिमम टाइम इसी रूम में स्पेंड किया था। This room is equipped with a wall-to-wall cupboard, a 55 inches television, a sound system, 5-seater sofa, beanbags, etc. Entertainment के लिए इस टीवी यूनिट पे प्रेजेंट है बहुत सारे बोर्ड गेम्स, सम बैडमिंटन रैकेट्स, etc. इस रूम के एडजेसेंट में है ये बालकनी जहां आप एंजॉय कर सकते हो आपका मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या शाम की चाय। अब चलते हैं एक फ्लोर ऊपर टू एक्सप्लोर द रेस्ट ऑफ द बेडरूम्स। ऊपर जाते ही आपको दिख जाएंगे द एंट्रेंसेस टू द टू एडजेसेंट बेडरूम्स। नाउ लेट्स एक्सप्लोर द बिगेस्ट रूम ऑफ द विला। एंटर करते ही आपको दिख रहा है एक क्वीन साइज्ड बेड और सामने एक एक्स्ट्रा मैट्रेस भी दिया हुआ है टू अकोमोडेट सम एक्स्ट्रा पर्सन इन द रूम। यहाँ पे है द ड्रेसिंग एरिया, कुछ ड्रॉयर्स वगैरह है टू कीप योर नेसेसरी थिंग्स। इस साइड में है 2 कबर्ड्स, एनफ स्पेस फॉर कीपिंग योर क्लोथ्स। बेड के दोनों साइड में है 2 बेड साइड टेबल्स। यहाँ पे एक ह्यूज साइज विंडो एंड एंट्रेंस टू द बालकनी। रूम के साथ अटैच्ड है एक वॉशरूम, तो चलिए अभी एक्सप्लोर करते हैं वो। एंटर करते ही लेफ्ट वॉल पे है एक ह्यूज साइज बीच का पेंटिंग एनहेंसिंग द लुक ऑफ द वॉशरूम एंड सामने है एक सिंक विद अ मिरर। यहाँ पे हैंड वॉश वगैरह है, कुछ प्लांट्स वगैरह भी रखा है टू डेकोरेट। यहाँ पे द टॉयलेट एंड अ सेपरेट बाथ एरिया सेपरेटेड बाय अ ग्लास सेक्शन। यहाँ अंदर एक वॉशिंग मशीन भी रखा हुआ है, तो ओवरऑल दिस इज अ ह्यूज साइज्ड वॉशरूम। तो चलिए चलते अभी थर्ड बेडरूम के तरफ। ये एक मीडियम साइज्ड फैमिली रूम जैसा है। एंटर करते ही द क्वीन साइज्ड बेड, यहाँ पे उसके बाजू में ही है द ड्रेसिंग टेबल, बेड साइड टेबल्स भी है, 2 डोर कबर्ड है एंड यहाँ पे एक छोटा सा टेबल है फॉर कीपिंग योर लगेज। नाउ लेट्स एक्सप्लोर द अटैच टॉयलेट। दिस इज अ मिड साइज वॉशरूम। एंटर करते ही लेफ्ट में है द सिंक, द मिरर, हैंड वॉश, सामने है बाथ एरिया विद अ ग्लास सेपरेटर, इस साइड में है टॉयलेट। यहाँ वॉशरूम में टॉयलेटरीज वगैरह सब मौजूद था। इस रूम के साथ भी है अ ह्यूज साइज्ड बालकनी जो कि लिंक्ड है टू द बालकनी ऑफ द अदर रूम। यहाँ पे एक रैक भी है फॉर ड्राइंग योर क्लोथ्स। यहाँ पे इन्होंने बैठने के लिए थोड़े बहुत सिटिंग काउचेस भी रखे हुए हैं। नाउ लेट्स एक्सप्लोर अनदर इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द रूम। इस रूम में आपको दिख रहा है स्टेयरकेस लीडिंग टू अ स्मॉल एटिक रूम जो कि बच्चों का एक फेवरेट रूम हो सकता है। आप देख सकते हो ये एरिया काफी छोटा है। एक डबल साइज मैट्रेस रखा हुआ है विद 2 बेड साइड टेबल, एक साइड फैन है, एसी वगैरह है, सो आइडियल फॉर किड्स, मे बी नॉट फॉर एडल्ट्स।
नाउ लेट्स एक्सप्लोर द बालकनी जो कि लिंक्ड है दोनों बेडरूम्स के साथ। तो मास्टर बेडरूम से हम ये बालकनी एंटर करें, आप देख सकते हो यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा है, नीचे पूल भी दिख रहा है। सो दिस इज अ ह्यूज साइज्ड बालकनी, यहाँ पे आप अपना मॉर्निंग वॉक भी कर सकते हो, इतना ह्यूज है। एंड देखिए यहाँ पे है द एंट्रेंस टू द सेकेंड रूम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एमिनिटीज। विला का पूल साइड, तो यहाँ पे एक छोटा सा पूल है एंड यहाँ पे पूल के सामने देयर इज ओपन स्पेस, तो यहाँ पे आप बैडमिंटन वगैरह खेल सकते हो, हम भी खेलेंगे। स्विमिंग पूल के अलावा एक एरिया में रखा हुआ था एक पूल टेबल जो कि अनदर अट्रैक्शन ऑफ द विला था। दो द पूल टेबल इज नॉट दैट वेल मेंटेन्ड, पर फिर भी शाम को हमने यहाँ पे काफी टाइम पास किया। ये विला काफी स्पेशियस है तो आप बहुत सारे एक्टिविटीज यहाँ पे प्लान कर सकते हो, इनफैक्ट बच्चे भी यहाँ पे बहुत एंजॉय कर सकते हैं। Now let's talk about the food options. ये विला ऐसी जगह पे लोकेटेड है कि आप आराम से बाहर से फूड ऑर्डर कर सकते हो। In case if you are interested in house meal options, तो ये भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो आप फुल डे का मील एक साथ पैकेज में भी ले सकते हो या इंडिविजुअली मील्स ऑर्डर भी कर सकते हो। Now let's talk about the package details. One night stay at this villa will cost differently at different websites. यहाँ पे मैंने एक comparative pricing दिया हुआ है जो आप देख सकते हो, Make My Trip, GoIBibo में काफी हायर प्राइस्ड है ये विला, बट अगर आप Airbnb में चेक करोगे, one night stay at this villa will cost around rupees 9,500. हमने ये विला बुक किया था फॉर 2 nights एट रुपीज 15,500 फ्रॉम Airbnb. था ना ये स्टील डील। तो अभी पूरा विला देखने के बाद हम बात करते हैं ओवरऑल रिव्यू के बारे में, स्टार्टिंग विद क्लीनलीनेस। सो ओवरऑल द विला वाज क्वाइट क्लीन, नीट एंड क्लीन प्ले, टॉवल्स, बेडशीट्स वगैरह वर क्वाइट नीट। द ओनली थिंग दैट नीड्स इंप्रूवमेंट इज मेंटेनेंस। द नेक्स्ट पॉइंट इज एमिनिटीज। एमिनिटीज विला में काफी है, दो स्मॉल इन साइज, द स्विमिंग पूल इज नाइस, नीट एंड क्लीन। पूल टेबल को डेफिनेटली मेंटेनेंस की जरूरत थी, बोर्ड गेम्स वगैरह भी थे, फूड वगैरह भी अवेलेबल था, तो बाकी एमिनिटीज वर ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज लोकेशन। लोकेशन ऑफ द विला इज परफेक्ट, इट्स वेरी नियर टू द प्राइम अट्रैक्शंस ऑफ लोनावला, मेन बस स्टैंड से भी ज्यादा दूर नहीं है, जोमेटो स्विगी वगैरह भी आराम से पहुंच जाते हैं, तो लोकेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। टॉकिंग अबाउट द रूम्स, रूम साइजेज आर परफेक्ट, एक थोड़ा स्मॉल साइज है, एक मीडियम फैमिली साइज रूम एंड एक अ लार्जर रूम, सो दैट वे आपके 6 to 7 पीपल आराम से अकोमोडेट हो सकते हैं। इवन फॉर लार्जर ग्रुप्स दे हैव केप्ट एम्पल मैट्रेसेस, तो अगर आप ड्रॉइंग रूम एरिया भी काफी बड़ा है, तो अगर आप बड़े ग्रुप में भी जाना चाहते हो, देन दे हैव एन ऑप्शन। नाउ माय नेक्स्ट पॉइंट इज हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी भी मिला था अच्छा है, दे आर रेडी टू हेल्प, जस्ट दैट द सर्विस वाज अ लिटिल स्लो, स्पेशली खाने की बात करें तो अगर आप खाना ऑर्डर करते हो वहाँ पे तो काफी टाइम लगता है डिलीवर करने में। नेक्स्ट पॉइंट इज डेकोर। डेकोर में आई वुड से इट्स अ मॉडरेटली वेल डेकोरेटेड प्लेस, काफी ह्यूज एंड स्पेशियस है, काफी ओपन एंड एयरी है, डेकोर ऑल्सो नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड मेंटेनेंस। बट अगर मैं ओवरऑल विला की बात करूँ एंड बजट के हिसाब से, ये काफी अच्छा डील है फॉर अ लार्जर ग्रुप, 7 to 12 लोगों के लिए, दिस कैन बी अ वेरी गुड डील, बिकॉज इस प्राइस में विद दिस काइंड ऑफ एमिनिटीज लोनावला में विला मिलना मुश्किल है। तो आज का वीडियो यही एंड करते हैं। अगर आपको इस विला के बारे में कोई भी फर्दर क्वेरीज है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई बी हैप्पी टू आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच ट्रेवल, स्टेकेशन एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियोज। तो चलिए मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। बाय बाय।